शुरू करें, मुकदमा अपराध संख्या 127/22 थाना जाजमऊ और 198/22 थाना ग्वालटोली के मुकदमे में तेजी से विवेचना की जा रही है। सभी प्रकार के साक्ष्य संकलित कर लिए गए हैं और प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के द्वारा कारित किए गए अपराध का जो आरोप वादिनी ने लगाया है, उसके संबंध में पर्याप्त साक्ष्य और सबूत इस मुकदमे की विवेचना में पाए गए हैं। हमने न्यायालय के समक्ष इसे समय समय पर रखा भी है। हम इस महीने में पूरी विवेचना तेजी से समाप्त करते हुए न्यायालय के समक्ष रख देंगे। दूसरी विवेचना भी हम तेजी से पूरा करेंगे और वहां पे हमने दिल्ली से, मुंबई से एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेजेज, सभी यात्री वाही जो हवाई जहाज हैं उनके पैसेंजर लिस्ट, ओयो के द्वारा जमा किए गए डिटेल, होटल का डिटेल, ये सारा डिटेल लेकर के जिसमें कूटरचित दस्तावेज के बुनियाद पर यात्रा करने का आरोप है, जिसमें 467, 468, 471, 472, 419, 420 का आरोप है, उसमें सभी प्रकार के साक्ष्य हम संकलित कर चुके हैं और उसका भी आरोप पत्र हम इसी महीने में जमा कर देंगे। रहा सवाल बाकी अन्य उन प्रार्थना पत्रों का जो कि जनता ने हमारे यहाँ दिए हैं, बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिए गए हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराधों के बारे में बताया गया है। हमने एक कमेटी बनाई है, कानपुर नगर पुलिस ने मृगांक शेखर पाठक एसीपी स्वरूप नगर के नेतृत्व में, सूर्यबलि पांडे निरीक्षक और रत्नेश सिंह निरीक्षक को साथ में रखते हुए कमेटी बनाई है कि सभी मामलों की जांच कर लें और जांच करके ये देखें कि कहां कहां पर संज्ञेय अपराध पाया जाता है। जैसा भी जांच में आएगा तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। और हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो भी अभी तक के मामले हैं इनके पूर्व में कारित अपराध हैं, जैसा कि इनके ऊपर विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर 11 आपराधिक मामले हैं जिनमें 4 अभी प्रचलन में हैं, 7 अंतिम रूप से न्यायालय को दाखिल किए गए हैं जिनमें 4 में एफआईआर लगी हुई है। उन सभी की समीक्षा भी एक बार पुनः मृगांक शेखर पाठक और उनकी टीम के द्वारा किए जाने की अपेक्षा की गई है ताकि उनमें भी गुणदोष के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।